Hi everybody. Namaste. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I hope you all are good. I hope you all are fine. मैं अपनी स्ट्रैटेजी अपने वादे अनुसार हफ्ते में दो दिन आऊँगा और दो एक दिन के अंदर हम पूरा सारा का सारा कंटेंट ख़त्म करा करेंगे। आज जो है वो है एनपीओ। आज हम लोग जो कंटेंट करेंगे, आज जो चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके एग्ज़ाम में लगभग लगभग, हाँ मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लेलिस्ट की वीडियो अनहाइड कर दो। भाई मैं भी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं इस चैनल का एडमिन नहीं हूँ। आप इस चीज़ को कमेंट में डालिए, अनअकैडमी वाले इस कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे। हाउ इज़ योर लेग? नॉट गुड। चलिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आएगा। जब हम इसमें अपनी कवरेज की बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है सब्सक्रिप्शन, उसके बाद तीसरी चीज़ आती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, चौथी चीज़ आती है अकाउंटिंग फॉर स्मॉल वैल्यू आइटम्स। आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार के कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमें बात करनी है कुछ, अरे पापा मत, पॉइंट्स टू रिमेम्बर की, और तब जाके हमारा ये सारा कंटेंट ख़त्म होता है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में करा दूँगा, इस पे हाथ लगा, मैं आपको पूरी डिटेल में करा दूँगा। एक वन शॉट लेंगे जिसमें सब कुछ कवर होगा। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्त। जब मैं सबसे पहले बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। जब मैं किसी भी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो उसके टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी होती है बैलेंस शीट। जब भी मैं कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूंगा तो ये 3 ही बातें निकल के आएंगी। इसके बाकी की अगर कोई सारी चीजें होती हैं, वो बाकी की सारी चीजें एडिशनल डॉक्यूमेंट होती हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी तो वो ये केवल 3 चीजें होती हैं। आइए एक एक करके बात करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप बस सुनते रहो, आपको पूरा चैप्टर दिमाग में डाल दूंगा, बस सुनिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। जब मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं तो याद रखिएगा
डेबिट साइड में सारी रिसीट्स आएंगी और क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स आएंगी। जब मैं बात करता हूं रिसीट्स की तो याद रखिएगा जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, जिस भी ईयर का आएगा, सब कुछ रिसीट में आएगा। मतलब जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या वो रेवेन्यू नेचर का हो, हाँ, जैसे भी आएगा, जिस भी ईयर का आएगा, चाहे वो करंट ईयर का हो या वो प्रीवियस ईयर का हो या वो नेक्स्ट ईयर का हो। मतलब अगर आया है, अगर पैसा आया है तो, अगर पैसा आया है तो रिसीट में आएगा ही आएगा। इस बात को याद रखिएगा कि भैया अगर पैसा आया है ना तो वो रिसीट में आना ही आना है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या वो रेवेन्यू नेचर की हो या वो करंट ईयर की हो या वो प्रीवियस ईयर की हो या वो नेक्स्ट ईयर की हो। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं बहुत ज़्यादा मगअप नहीं करूँगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल के इस चैनल को बहुत ज़्यादा मगअप नहीं कर दूंगा, लेकिन मैं जो वीडियो डालूंगा जो उसके अंदर एक चैप्टर पूरा कराऊंगा और केवल दो दिन आऊंगा हफ्ते में। चलिएगा आगे की बात करते हैं। सिमिलरली जब मैं पेमेंट्स की बात करता हूं तो जो भी जाएगा, जैसे भी जाएगा, जिस भी ईयर का जाएगा, सब कुछ पेमेंट में आएगा। अगर पैसा गया तो पेमेंट में जाएगा ही जाएगा। सेम चीज, मतलब चाहे कैपिटल आइटम हो या रेवेन्यू आइटम हो, दोनों आएंगी। चाहे प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो, वो भी आएगी। इससे आसान एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर यहां पर मैं रिसीट एंड पेमेंट के कुछ की पॉइंट्स की बात करूं तो उस की पॉइंट में पहला की पॉइंट ये बनता है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। भैया मुझसे समय मत पूछो कि कितने घंटे की होगी, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्लास खत्म हो जाएगी, चैप्टर पूरा करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और एंड होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पे। और यहां पर कैश का जो मतलब है Which includes bank balance as well. Number दो, it is prepared on cash basis. ये cash basis पर बनेगा, ये accrual basis पर नहीं बनेगा, cash basis पर बनेगा। इसका मतलब non कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन विल नॉट कम। डेप्रिसिएशन जैसी चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी। ठीक है जी, और बात करते हैं की पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर थ्री की।
जब मैं और आगे बात करता हूं और बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 जैसे पॉइंट की, तो फिर क्या बात निकल के आती है? अगली बात ये निकल के आती है कि इट विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब परचेज ऑफ व्हीकल भी आएगा, पेट्रोल एक्सपेंसेस भी आएगा, सेल ऑफ हाउस भी आएगा, सब्सक्रिप्शन भी आएगा। बेसिकली चाहे वो कैपिटल आइटम हो या वो रेवेन्यू आइटम हो, वो सब कुछ आएगा। आप नोट्स देखिए भाई, आप नोट्स का लेवल देखिए कि किस प्रकार के नोट्स बन रहे हैं ये। और फोर्थ की पॉइंट, इट विल नॉट गिव यू एनी सरप्लस और डेफिशिट। ये आपको किसी भी प्रकार का सरप्लस या किसी भी प्रकार का डेफिशिट नहीं देगा, याद रखिएगा। कोई सरप्लस नहीं देगा, कोई डेफिशिट नहीं देगा, यहां पर कुछ नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, इट विल कंप्राइज ऑफ ऑल ईयर्स। इसमें सारी बातें आएंगी, चाहे वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो। तो इसका मतलब, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपको केवल इतनी बातों का ध्यान रखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से चालू होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पे खत्म होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनाया जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों प्रकार की आइटम आएंगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसी भी प्रकार का सरप्लस या डेफिशिट नहीं देगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, हर टाइप का खर्चा या हर टाइप का पेमेंट या हर टाइप की रिसीट आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं अगली, सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब मैं बात करता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगी सारी की सारी इनकम। अब दोस्तों, जब मैं एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो याद रखिएगा ओनली रेवेन्यू आइटम आएगी, ओनली करंट ईयर की आइटम आएगी, नॉन कैश आइटम्स भी यहां पर आ सकती हैं। और यही सेम मेरे इनकम में भी फॉलो होगा। जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम आती थी, तो यहां पर जो मेरे की पॉइंट्स बनते हैं वो की पॉइंट्स ये बनते हैं। पहला की पॉइंट ये बनता है, ओनली रेवेन्यू आइटम्स विल कम, नो कैपिटल आइटम्स। और अब आप ये सब जानते हो कि कैपिटल आइटम क्या होती हैं, जो एसेट्स खरीदने के लिए या लायबिलिटी पे करने के लिए करी जाती हैं बेसिकली। नंबर टू, ओनली करंट ईयर आइटम्स विल कम, वेदर सेटल्ड
और नॉट। अब ये वेदर द सेटल और नॉट क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए सैलरीज पेड जो हैं वो 11 मंथ की हैं, 22,000 रुपये, और सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो हैं वो एक महीने की है, 2,000 रुपये। तो भैया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पर बनता है, तो वहाँ तो पेमेंट में पूरे 22,000 आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की आइटम आएंगी, और करंट ईयर में 22,000 तो मैंने पे करे हैं और 2,000 मेरे करंट ईयर के हैं जो मैंने पे नहीं करे, तो टोटल हो गए 24,000। बोलिए इतनी बात समझ में आती है सबको कि मैंने ये क्या काम करा। अगले की पॉइंट की बात करूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूअल बेसिस पर बनेगा, कैश बेसिस पर नहीं बनेगा, अक्रूअल बेसिस पर बनेगा। और आखिरी पॉइंट की बात करूं, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस दोनों की एडजस्टमेंट होगी। आउटस्टैंडिंग की भी एडजस्टमेंट होगी और एडवांसेस की भी एडजस्टमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब ये अक्रूअल बेसिस पर बनेगा, इसमें केवल और केवल करंट ईयर की आइटम आएंगी सर, इसके अंदर केवल और केवल रेवेन्यू आइटम आएंगी सर, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस की एडजस्टमेंट होगी सर, इसके अंदर सर कोई भी अगर नॉन कैश आइटम है तो वो भी यहां पर आएगी सर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब अगली बात करते हैं, और अगली बात आती है सर बैलेंस शीट की। अब जब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं तो दोस्तों बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, एक तरफ आएंगी लाइबिलिटीज और दूसरी तरफ आएंगे बाउजी एसेट्स। याद रखिएगा, अब बात आती है ऑल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग शैल बी एप्लीकेबल। जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल यहां बैलेंस शीट बनाते टाइम अप्लाई होंगे। याद रखिएगा, जो बैलेंस शीट है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। बात को समझ लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट रिक्वायर्ड ओनली व्हेन, केवल और केवल तभी बनानी है, ओनली व्हेन कैपिटल फंड इज मिसिंग। दोस्तों अगर कैपिटल फंड मिसिंग है आपको तभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अगर आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है तो फालतू चक्कर में मत पड़ना, आपको कोई भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, चाहे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा दे भी रखा हो, क्योंकि यही वाला जो कैपिटल फंड है यही टू बी यूज्ड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट। मेरी बात का यकीन मानिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं कि इससे बढ़िया रिवीजन आपकी नहीं हो पाएगी। हम कोई फालतू
कोई कमेंट शमेंट वाली बात नहीं कर रहे, मैं प्योरली आपको पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो मेरी ये बात खत्म होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आइए अगली बात करते हैं, और अब बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन की। अब जब मैं कहता हूं सब्सक्रिप्शन, तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है पीरियोडिक पेमेंट्स फॉर अ सर्विस। पीरियोडिक पेमेंट जो हम किसी सर्विस को अवेल करने के लिए देते हैं। एनपीओ की नजर से अगर मैं किसी सब्सक्रिप्शन को देखता हूं, तो वो सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है। और अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो मेरी एसेट बन जाती है। और अगर कोई इनकम एडवांस में हो जाती है, तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाती है। मैं अपने इसी बेस को मानते हुए अपना एक अकाउंट तैयार कर सकता हूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जब मैं अपना एक अकाउंट तैयार करता हूं और कहता हूं उस अकाउंट का नाम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो एसेट हो गया, तो इसका मतलब टू आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस मेरा एसेट हो जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस मेरे एसेट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, बाय एडवांस ओपनिंग बैलेंस ये मेरी लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, टू एडवांस क्लोजिंग बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मुझको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हुआ हो, करंट ईयर का हुआ हो, या नेक्स्ट ईयर का हुआ हो, अगर मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, तो क्या मैं बोलूं मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट? तो क्या मैं कहूं मैं यहां लिख सकूंगा बाय बैंक अकाउंट, और ये जितना मैं बाय बैंक में लिखूंगा, क्या मैं कहूं यही मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में जाएगा? वहीं अगर मैं बात करता हूं, यहां पर, हाँ, अगर मैं बात करता हूं तो यहां आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या मैं कहूं यही मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा? इसका मतलब जब मैं इन दोनों की बात करता हूं, तो मेरे बेटा एक मुझे गिवन होगा और एक मिसिंग होगा। अगर मैं बात करूं इसमें कि अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, तो याद रखिएगा इसमें से एक आइटम मुझे गिवन होगी और एक मिसिंग होगी। क्लियर होती है बात? सब्सक्रिप्शन में कभी भी फंस जाओ
एक हिंट दे रहा हूं, ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट, ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट, नेवर डू स्टेटमेंट। कभी भी स्टेटमेंट मत बनाइएगा, आप फंस जाएंगे। हमेशा अकाउंट बना लीजिएगा, आपका उधार हो जाएगा। आइए, हमने सब्सक्रिप्शन भी खत्म किया। सब्सक्रिप्शन के बाद अब बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग और स्मॉल वैल्यू आइटम्स की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? जब मैं आपसे कहता हूं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो समझ जाइएगा ये फंड का मतलब होता है अमाउंट एक्यूमुलेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे बिल्डिंग फंड, जैसे लाइब्रेरी फंड एक्सेट्रा। बिल्डिंग फंड हो गया, लाइब्रेरी फंड हो गया, वगैरह वगैरह। याद रखिएगा, कोई भी फंड हमारी लायबिलिटी होगा। कोई भी फंड है ना, वो हमारी लायबिलिटी ही होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो इसका मतलब कभी भी फंस जाओ तो याद रखना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड में ऐड कर दो इनकम ऑफ सच फंड, लेस कर दो एक्सपेंसेस ऑफ सच फंड, तो अपने आप ही जो आपका बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड, जो कि मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए, पॉइंट टू रिमेंबर, इफ इन एनी केस, अगर कभी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम से, तो जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे, ठीक है सर? ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत? बोलो, सबके दिमाग में सारी बात फिट हो रही है? जिसने ये लेक्चर देख लिया उसका एनपीओ पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आगे सुनिएगा, अब जब अगली बात करते हैं तो क्या करते हैं? जब अगली बात करते हैं तो आता है अकाउंटिंग फॉर स्मॉल वैल्यू आइटम्स। जब मैं कहता हूं अकाउंटिंग फॉर स्मॉल वैल्यू आइटम्स, इसका मतलब यूनिट प्राइस लेस है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है। तो ऐसे केस में हो क्या रहा है? ऐसे केस में यहां पर हमें कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा।
कि कितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट्स मटेरियल, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेशनरी एक्सेट्रा। अब इसका भी एक ही इलाज है, ओनली वन सॉल्यूशन। अकाउंट बनाओ, जहां कहीं फंस जाओ ना दोस्त, उसका एक ही इलाज है भाई, अकाउंट बनाओ। ठीक है जी, अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्टेशनरी अकाउंट बना दिया। अब जब मैंने स्टेशनरी अकाउंट बनाया तो क्या मैं कहूँ, मैं बोल सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक और यहाँ बोल सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। हो सकता है कई बार आपको वो क्रेडिटर्स भी बोल दे, बाय क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। कौन से क्रेडिटर्स? स्टेशनरी वाले क्रेडिटर्स। टू, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब एक बात बताओ, मैं जितनी पेमेंट करूंगा, पेमेंट फॉर स्टेशनरी, तो क्या मैं कहूं एंट्री होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जितना भी अमाउंट होगा क्या मैं कहूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट में चले जाएगा। तो अपने आप ही मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब मैंने इतनी स्टेशनरी कंज्यूम कर ली है जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा, जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। आप नोट्स देखिए भाई साहब, एक बारी में जो इसे पढ़ लेगा पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपका पूरा एनपीओ हो गया, पूरा एक साथ। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब जब मैं बात करता हूं कुछ पॉइंट्स की, तो पहली पॉइंट आती है एंट्रेंस फीस। याद रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करिए। सेकंड प्रायोरिटी कैपिटलाइज कर दो। पहली प्रायोरिटी होती है जो क्वेश्चन में बोला है वो करो, नहीं तो एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज कर दो। दूसरी बात होती है लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड कर दो, ये भी हमेशा कैपिटलाइज ही करी जाएगी। तो आपके अगर पेज देखें तो ये हुआ आपका पेज नंबर वन, ये हुआ आपका पेज नंबर टू, ये हुआ आपका पेज नंबर थ्री, ये हुआ आपका पेज नंबर फोर, ये हुआ आपका पेज नंबर फाइव, ये हुआ आपका पेज नंबर सिक्स, ये हुआ आपका पेज नंबर सेवन, ये हुआ आपका पेज नंबर एट, और ये हुआ आपका पेज नंबर नाइन। ये मेरी गारंटी है कि इन नौ पेजों में आपका पूरा एनपीओ रिवाइज होता है। इसके क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग स्पेशल क्लास रखेंगे, जिसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर दिख जाएगा। ठीक है, आपको ये नोट्स टेलीग्राम पर आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। एक चीज और रह गई है,
वो ये है, वो भी समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, बता देता हूँ। अनअकैडमी का 7 डेज का सब्सक्रिप्शन, वो भी सुन लीजिएगा, अनअकैडमीज का 7 डे का सब्सक्रिप्शन फ्री है 17 अप्रैल तक। आज आप एक लिंक पर जाके इस QR कोड को स्कैन करके हमारी प्लस क्लासेस अनलिमिटेड देख सकते हो 7 दिन के लिए। 7 दिन तक ये फ्री है, आइए और इसका फ़ायदा उठाइए।